दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग बुराड़ी के अधिकारियों समेत 15 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑटो रिक्शा परमिट घोटाले का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी परिवहन विभाग कार्यालय से भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा अधिकारी समेत 14 लोगों की गिरफ्तारी से साफ है कि दिल्ली सरकार में जारी भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण जांच चल रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग पर नियंत्रण नहीं है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि ऑटो यूनियनों द्वारा 2022 में हाईकोर्ट में केस दर्ज कराने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में हो रहे घोटाले में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने से साबित होता है कि ऑटो रिक्शा परमिट के रेन्यूअल और ट्रांसफर करने की धोखाधड़ी आदि सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों के हितों में काम करने का वादा किया था, परंतु सत्ता में आने के बाद ऑटो वालों के परमिट देने में धोखाधड़ी हो रही है। गैरकानूनी रूप से दूसरे लोगों को परमिट दिए जा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सुशासन और पारदर्शी प्रशासन देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 9 वर्षों के शासन में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम निर्माण घोटाला, डीटीसी बस खरीद और रखरखाव अनुबंध घोटाला, शौचालय परिसर निर्माण घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, स्वास्थ्य के साथ केजरीवाल के नए सीएम आवास का निर्माण में भी जारी भ्रष्टाचार हुआ है। इन घोटालों में मुख्यमंत्री सहित इनके मंत्री और विधायक संलिप्त हैं। केजरीवाल का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से बचा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने जानबूझकर कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा ताकि वो अपनी सरकार के हर विभाग में हुए भ्रष्टाचारों पर अपना नियंत्रण रख सके।